इसी टूल के द्वारा की है। ये वीडियो आप जो देख रहे हो उसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैम्बल, जो किसी भी पेज आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना भी लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हो, दाएं बाएं तो यहाँ हट जाएगा, दाएं बाएं हो रहा है। फिर मैं आपको ऊपर नीचे का बता देता हूँ। ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी पेज, अपनी भी इस पेज को मूव कर सकते हो। अगला टूल देखते हैं जो है सेटिंग्स। आपको अलग अलग तरीके के सेटिंग्स मिलेंगे, जैसे आपको कुछ चीज़ छुपानी हो, कुछ आप पढ़ाना चाह रहे हो जो नहीं बताना हो स्टूडेंट्स को। कर्टन्स हैं, आप इनको मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। एक क्रॉस सिंबल आएगा आपको बंद करने के लिए। और एक टूल है जो है आपका कंपास, ये हो गया आपका कंपास। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, जैसे आप अगर स्क्वायर वगैरह बनाना चाहोगे तो सर्कल बन जाएगा इस तरह। इसको हटा लीजिए और एक सर्कल। और कई सारे टूल्स हैं ऐसे, जैसे स्पॉटलाइट हो गई, जैसे आप वन बाय वन टूल्स एक्सप्लेन करना चाहोगे। फर्स्ट वाला जो एनोटेशन है, सेकंड वाला पेन, ब्रश, हाइलाइटर, फिर इरेजर्स हो गए आपके कलर्स, थिकनेस, फिर ये वाला बैकग्राउंड, ज्योमेट्रिकल शेप्स, एडिट फिगर, टेक्स्ट ना, आपको पेज आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, नई पेज जोड़नी हो, किसी पेज को डिलीट करना हो, अंडू, रीडू, फिर स्क्रीन कैप्चर, रिकॉर्डिंग, रैम्बल और सेटिंग्स, ऐसे हैं। अगर आपको किसी भी ये बोर्ड यू बोर्ड यूज करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से कैलिब्रेशन ऐसे कर सकते हो। कैलिब्रेशन, आप कैलिब्रेशन पर क्लिक करोगे कैलिब्रेशन हो जाएगा आपके। आपको अगर टूल बार शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट टूल बार कर दीजिए, टूल बार यहाँ पे बन जाएगा। फिर से आपको टूल बार शिफ्ट करना हो तो टूल बार नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक इनबिल्ट गैलरी भी बनी हुई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पेज के राइट हैंड साइड पे इनबिल्ट गैलरी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में दिया गया है। जैसे साइंस ले लीजिए आप, साइंस पे क्लिक कीजिए, सोलार सिस्टम में नए पेज में जाता हूँ। नए पेज में जाता हूँ, मैं सोलार सिस्टम ले लेता हूँ। ऐसे मेरा सोलार सिस्टम बाहर आ जाएगा, ये रहा मेरा सोलार सिस्टम। आप बता सकते हो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, अर्थ जो कि तीसरे नंबर पे पड़ता है सूरज से। फिर आपको चाहे गेम्स हो गए, दूसरे अलग तरीके के गेम्स हो गए, नई पेज ले लेते हैं, नो, जैसे आपको कुछ बताना हो, एशियन फ्लैग्स वगैरह, सारे एशियन फ्लैग्स हैं, भारत यहाँ पे, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे और कुछ हैं आप जो जोड़ सकते हो। अगला पेज ले लेते हैं। गेम्स हो गया, चेस, चेस बोर्ड आपके लिए अवेलेबल है, आप मूव कर सकते हो। ऐसे इस तरीके की गैलरी बनी हुई है, सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। एनिमल्स, आर्ट्स, बैकग्राउंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें, जिसको आपको सिर्फ यूज करना होगा। एनिमल्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, तरह तरह के एनिमल्स अवेलेबल हैं। इंसेक्ट्स, जैसे आपको चींटी बताना हो, चींटी आ गई है यहाँ पे, चीजें को हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। चीजें बड़ी हो गई। अगर आपको बटरफ्लाई बतानी हो तो आप बटरफ्लाई भी बता सकते हो। तितली, तितली भी आ गई है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, घुमा सकते हो।
ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था हमारा यूबोर्ड का, बेसिक टूल्स जो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। फर्स्ट टूल जो हैंडराइटिंग रिकग्निशन था, और आपको अभी आ गया है वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंटरेक्ट करने के लिए एक टूल जिसको हम फ्लोटिंग टूल कहते हैं। आप इस पर लिख पाओगे सीधा, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे। ये इंसर्ट अगर आपको और कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लिखने हैं, जैसे आप मैं मेरी कंपनी का नाम लिखता हूं एवीको, इवन के आगे एवीको, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज, प्राइवेट, ये गलत हो गया, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गई मेरी कंपनी का नाम, ये मैंने लिख दिया, आप इंसर्ट कर लीजिए। ऐसे ही ये फ्लोटिंग टूल काम करता है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं आपको एक बार डेस्कटॉप पे लिख के बता देता हूँ। स्क्रीन एनोटेशन हम जिसे कहते हैं, स्क्रीन एनोटेशन, किसी भी फाइल पे लिख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो मैं कोई फाइल ओपन कर लूं कहीं से भी ब्राउज करके, मुझे कुछ चेंजेस करना है किसी में, जैसे रनिंग वीडियो हो गया, मैं अपने वीडियो पे लिख पाऊंगा इससे। मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं, चलिए एक सैंपल वीडियो ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मुझे पढ़ाना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपन हो रहा है। सिस्टम आ गया है, मैं इसको बड़ा क्लीन कर लेता हूँ। सिस्टम है तो आप रनिंग वीडियो पे लिख रहे हो, जैसे देख रहे हो आप वीडियो चल रही है, हम उस पर लिख रहे हैं, कितना आसान है ऐसा। ये है इसके यू नो पावरफुल टूल्स जो हम यूज कर सकते हैं हमारी डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे यूबोर्ड डिवाइस का, जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत ईजी है इस्तेमाल करने के लिए, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक बार आप टूल्स देख लोगे आप, बहुत इजी हो जाएगा यूज करना। इमेज पे लिखना चाहोगे, बताना चाहोगे, ये ऐसे बता, किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे आप इसको यूज कर पाओगे। आप देख पाओगे ये सारे पेजेस हैं जो हमने यू नो स्टार्टिंग से एक्टिविटी की है, सारी कुछ रिकॉर्डेड है हमारे पास। ये हमने सोलार सिस्टम लिया था,
ये हमारे रनिंग वीडियोस जो हमने लिए थे जिसपे हमने लिखा था, उसकी इमेजेस हैं जो हमने ऑटोमेटिकली सेव की।